हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि के व्रत शुरू है तो हमें 9 दिन व्रत वाला आहार लेना पड़ता है, इसीलिए मैं आज बनाने जा रही हूं व्रत वाली फ्रूट रबड़ी, जिसे आप व्रत में या बिना व्रत में भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, साथ ही हेल्दी भी, क्योंकि इसमें मैंने कोई शुगर मतलब चीनी ऐड नहीं किया है। अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो आप उन्हें इस तरह फ्रूट रबड़ी बना के खिला सकते हो। ये बिना चीनी के बनी है, फिर भी खाने में मीठी लगती है, जो व्रत में आपको एनर्जेटिक बनाए रखेगा और दिन भर आपको भूख महसूस होने नहीं देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रूट रबड़ी। फ्रूट रबड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है अनार, सेब, पपीता, केला और खजूर। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। साथ में मैंने लिया है 4 बादाम, 4 काजू, किशमिश और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें 4 बादाम और 4 काजू को पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देना है। तो 1 घंटे बाद बादाम भीग चुके हैं, अब मैं इनके छिलके निकाल लूँगी। ये आसानी से निकल रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो देखिए, मैंने इसके छिलके निकाल ली हूँ। अब काजू और बादाम के साथ मैं ये 5 खजूर ऐड करूँगी, क्योंकि इसका हमें एक पेस्ट तैयार करना है। लेकिन पेस्ट तैयार करने के पहले हमें खजूर के पूरे बीज निकालना पड़ेगा। अगर एक भी बीज रह गए तो ये ग्राइंड करते समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए हमें अच्छी तरह देखना है कि इसका एक भी बीज इसमें रह ना जाए। तो इस तरह से मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। अब हम इन सबका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने मिक्सर जार में ये सारी चीज़ें ऐड कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 चम्मच दूध। दूध डालने से फ्रेंड्स ये अच्छे से पीस जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये एकदम बारीक भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह का हमें पेस्ट तैयार करना है। अब मैं एक पैन में 1/2 लीटर दूध ऐड करूँगी और इसे उबलने दूँगी। दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसे लो फ्लेम में 10 मिनट तक और उबालूंगी। और बीच बीच में चम्मच भी चलाना पड़ेगा, वरना दूध बर्तन में चिपक सकता है। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने जो ये पेस्ट तैयार किया था, ये पेस्ट मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दूध के साथ ये अच्छे से मिल जाए। फ्रेंड्स, दूध जब गाढ़ा होकर सूख जाता है तो उसमें भी एक नेचुरल मिठास तैयार हो जाती है। साथ ही मैंने जो इसमें पेस्ट ऐड किया है उसमें खजूर डाला है, तो खजूर की जो मिठास है वो भी इस दूध में घुल के इस दूध को मीठा बना देंगी, इसीलिए मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं किया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो 1 घंटे बाद ये ठंडा हो गया है, देखिए, और साथ में गाढ़ा भी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। लग रही है ना ये स्वादिष्ट रबड़ी। इसे अब हम रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए फ्रूट्स। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, चीकू भी डाल सकते हैं काट के, या फिर जब मैंगो का सीज़न होगा तो आम भी इसमें काट के डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो जब भी आपका कभी मीठा खाने का मन हो और आप कुछ हेल्दी सा खाना चाहते हो तो एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और ज़रूरी नहीं इसे व्रत में ही खाएं, आप इसे कभी भी किसी भी मौके पे बना के खा सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी व्रत वाली फ्रूट रबड़ी। अब इसे हम सर्व करेंगे।
अब ऊपर से मैं इसमें ऐड करूंगी किशमिश और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आपने अगर इसे व्रत में खा लिया तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। अगर आपको मेरी ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।